नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं आज अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और विस्तार से पहले उन्होंने 11 मंत्रियों से उनके इस्तीफे ले लिए हैं। हमने अपने इसके पहले की बुलेटिन में आपको बता दिया था कि वो कौन से 11 मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए अपनी नई टीम बड़े सूझबूझ के साथ खड़े किए हैं। जी हाँ, अभी अभी जो मंत्री शपथ ले रहे हैं, हम उनके बारे में आपको बता दें कि कौन कौन से लोग शपथ ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार नारायण राणे, सर्वानंद सोनेवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपत कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलजे, भानु प्रताप सिंह और दर्शना विक्रम जरघोष जो हैं वो आज शपथ ले रहे हैं। और भी जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय वर्मा, भगवंत खुब्बा, कपिल मोरेश्वर, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत किशन राव कराद, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण कुमार, विशेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, जान बरला, डॉक्टर एल मुर्गन और नितिन परमाणिक का नाम भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के शामिल होने वाले की लिस्ट में है। नरेंद्र मोदी जो है आज 43 मंत्रियों को शपथ दिलवा रहे हैं राष्ट्रपति के माध्यम से। कुछ मंत्रियों के राज्य मंत्री से जो है उनको बदलकर केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। क्या है पूरी मंत्रिमंडल की विस्तार की ये रिपोर्ट, हम अगले बुलेटिन में आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।